नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यही विकल्प को देखना है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 ईस्वी में की गई थी, ये बात सही है। और फिर देखें तो यह एक द्विवार्षिक बैठक है, द्विवार्षिक नहीं, यह एक जो है वार्षिक बैठक है, तो ये तो गलत है। और यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है, ये भी सही है। और ADMM प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेज़बानी वियतनाम द्वारा की गई, तो ये भी कथन सही है। तो बी विकल्प हो जाएगा जो कि गलत है, यानी कि यह एक वार्षिक बैठक है। अगले सवाल को देखें, हाल ही में समाचारों में रहा नोंगपोकसेकमई, तो नोंगपोकसेकमई समाचारों में रहा था, यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह एक भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। और यह किस राज्य का है, तो ये मणिपुर का जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, यानी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन हुआ और ये मणिपुर राज्य का है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया, तो हिंदी शब्द 2020 ऑक्सफोर्ड द्वारा आत्मनिर्भरता को दिया गया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो 1206 ईस्वी में जो है दिलीप के प्रथम वंश जो है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, बेरेसीट 2 एक चंद्र मिशन है किस देश का, तो ये बेरेसीट 2 चंद्र मिशन है इजराइल का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, अगर साक्षरता दर की बात करें, पुरुष हो या साक्षरता हो या महिला साक्षर, सर्वश्रेष्ठ रोहतास हैं, और महिला में सहरसा है सबसे कम में, पुरुष में पूर्णिया है, ओवरऑल में भी पूर्णिया ही है। अगले सवाल को देखें, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं, तो सही सुमेलित यही है कि महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया था मतविलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला सवाल देखें, सूची एक सूची दो के साथ मैचिंग कराना है, एक तरफ 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता हैं और एक तरफ जो है उसके नेतृत्व क्षेत्र हैं, नाना साहब कानपुर से, वीर कुंवर सिंह आरा से, बख्त खां दिल्ली से सैन्य नेतृत्व, और मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला अवध प्रांत से थे, तो राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पीएम वाणी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है, तो पीएम वाणी योजना के उद्देश्य को लेकर देखें तो इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूतों रहे क्षेत्रों तक रेडियो प्रसार ये नहीं है, यह सार्वजनिक वाईफाई सुविधा से जो है ये संबंधित है, तो ये तो जो है गलत है। और दूरसंचार विभाग DOT इस योजना की नोडल एजेंसी है, तो ये बात इनके बारे में सही है। और पब्लिक डेटा ऑफिस इसके फ्रेमवर्क में सम्मिलित है, ये भी सही है। तो कहा जा रहा है कि कौन सही है, तो 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन से उन 6 स्तंभों का हिस्सा है, तो 6 स्तंभों में देखें तो स्वास्थ्य और कल्याण ये हैं, और मानव पूंजी में नवजीवन का संचार ये भी हैं, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन ये भी हैं, और नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास ये भी हैं, यानी कि ये सभी हैं, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक जो है हिस्सा हैं। अगले प्रश्नों को देखें, यानी कि ये विकल्प डी हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 जो है ये सही हैं, यानी कि इस प्रकार से विकल्प दिया हुआ ही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया, तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश
वस्तुओं के बहिष्कार को सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। अगला सवाल देखें, सूची एक सूची दो के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ वैदिक नदियां हैं, एक तरफ आधुनिक नाम है। कुभा हो जाएगा काबुल, पड़ोसनी रावी, सदानीरा गंडक और सतोदरी सतलज। अगला सवाल देखें, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना GNHCP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखते हैं, यह परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच $1,000 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर, 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच, तो इसलिए ये तो गलत ही था। और यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में क्रियान्वित की जाएगी, ये इसके बारे में सही है। और फिर कहा जा रहा है कि ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो ये भी इनके बारे में सही है। तो कह रहा है कि कौन सही है, तो दो और तीन विकल्प जो है इसके बारे में सही है, तो दो और तीन विकल्प किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, कि इनमें से जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें, होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया है किसने? तो UAE के द्वारा जो है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मिशन जो है मंगल मिशन लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया? तो गौतम बुद्ध जो है अपने मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, किसी को भी नामित नहीं किया था, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, स्पार्क परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये बात सही है। और यह परियोजना के तहत जो है IISC बंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित जालक विकसित किया है जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहत अनुप्रयोग दर्शाता है। तो ये बंगलुरु के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो है कानपुर के द्वारा, IISC कानपुर के द्वारा जो है डमरू आकार के प्रेरित जालक विकसित किया है, तो ये तो गलत हो गया। और कहता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इसके समन्वय हेतु राष्ट्रीय संस्थान है, कानपुर नहीं है बल्कि खड़गपुर है, खड़गपुर जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर इसके समन्वयन हेतु राष्ट्रीय संस्थान है, तो ये भी गलत ही था। तो केवल एक सही है, तो एक सही है, तो कहा जा रहा है कौन सही है, तो केवल एक सही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रभावी राजस्व अंतर है किसका? तो प्रभावी राजस्व अंतर होता है सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के अंतर का, तो यह हो जाएगा प्रभावी राजस्व, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के अंतर है प्रभावी राजस्व, आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, भारतीय खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया था? तो भारतीय खिलौना मेला 2021 जो है संस्करण हुआ था, ये प्रथम संस्करण था, प्रथम बार यानी कि पहली बार आयोजित किया गया था। गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? तो गांधी जी के विचारधारा पर टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो, ये तीनों व्यक्ति का सुझाव रहा था, तो इसलिए जो है 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास, ये जो हैं मद्रास 1887 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और बात करें बाल गंगाधर तिलक, ये कभी नहीं बने थे, लाला लाजपत राय 1920 में कोलकाता में बने थे, तो सी हो जाएगा जो कि कभी नहीं बने थे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 10वीं रही थी। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करने के लिए जो है दो संस्थाएं हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो ए और डी
दोनों सही है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल को देखें। कालिका पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कालिका पुराण के बारे में कहा जा रहा है कि यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से हैं। ये वैष्णव संप्रदाय से नहीं, हिंदू धर्म से तो है ही, तो ये जो हैं वैष्णव संप्रदाय से नहीं संबंधित है, बल्कि ये जो है शाक्तवाद पर जो है आधारित है, शाक्तवाद पर। तो इसलिए ये तो गलत है। और इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये सही है। और इसके रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है, ये भी इसके बारे में सही है। तो 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल को देखें। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल उत्पादन में प्रथम जिला, तो ये रहा था रोहतास। अगला सवाल है स्टेट टाइम्स, तो स्टेट्स टाइम्स ये शेयर सूचकांक है सिंगापुर का, स्टेट्स टाइम्स। अगला सवाल है रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है लखनऊ मेट्रो, जिन्होंने रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था, तो अलाई दरवाज़ा के निर्माण में लाया गया था घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग। अगला सवाल देखें। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में जो है 163.80 लाख टन था, तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, तो यह था रंजित सिंह दिसाले। अगला सवाल देखें। बैंकिंग रन ये शब्द संदर्भित करता है किसको, तो बैंकिंग रन जो है ये शब्द उद्घोषित करता है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा धनराशि निकालने को, बड़ी संख्या में जो है ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा धनराशि को निकालने रहते हैं, तो उसे बैंकिंग रन कहा जाता है। अगला सवाल देखें। आचार्य विनोबा भावे द्वारा सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य में चलाया गया था, तो ये तेलंगाना में जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव से शुरू किया गया था 1951 ईस्वी में। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो ये तो गलत है। और इस असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ, तो ये बात सही है, क्योंकि 1922 में 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, तो उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस करने का निर्णय यानी घोषणा लिया था, ये बात सही है। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, तो ये भी बात इनके बारे में सही ही है। तो कह रहा है कि सही यानी कि गलत है, तो गलत केवल आपका एक विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए जलियांवाला बाग। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी डॉक्टर ए शिव थानु पिल्लई के द्वारा लिखा गया, ये सही है। और धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ अमीश त्रिपाठी, ये भी सही है। सूत्र वेदनांची सूत्र एक अंबव ये सुनील गांगुली, तो ये जो है सुनील गांगुली के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि लिखा गया था संजना प्रकाश के द्वारा लिखा गया था, प्रकाशन के द्वारा, इसलिए ये गलत हैं, तो यही असुमिलित हैं। और अगला जो है ओह मिजोरम पी एस श्रीधरन पिल्लई, ये तो हैं सही हैं। विश्वास या मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो विश्वास या मुद्रा का उदाहरण होता है चेक, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, एक और कथन ए है और आर जो है उसका कारण है, तो देखते हैं। कथन एक कह रहा है ये महात्मा गांधी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, ये बात सही है।
1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये 30 में पहला, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इस सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। तो ये भी बात सही है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए थे। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी दोनों सही है। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगले सवाल को देखें, प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालक्रम क्या है? तो विदेशियों का जो है आगमन भारत में हुआ था, तो सबसे पहले यानी क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले हो जाएगा हिंद यूनानी, फिर हो जाएगा शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। तो राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सूची एक सूची दो के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, एक तरफ उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है, तो मैचिंग कराते हैं। बालेरी गिरस्टकार्ड दी एस्टेंग, तो बालेरी गिस्कार्ड दी एस्टेंग ये क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे, तो एक का जो है तीन हो जाएगा। और दिनेश्वर शर्मा नौकर शाह थे। श्रीपति खान चानल तो ये जो हैं पहलवान थे, और शमसुर रहमान फारूकी ये कवि थे। तो इस प्रकार से मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बढ़ती मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? मुद्रा स्फीति का मतलब हो गया कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, तो इसके लिए आपको नगद आरक्षित अनुपात जो है बढ़ाना होगा, ये RBI के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक, तो यह था मोहम्मद शाह, क्योंकि इन्हीं के समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो ईरान के नेपोलियन ने हमला किया और तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन लूट ले गया था, और प्रथम शासक हो जाएगा बैठने वाले शाहजहां। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कितने जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है? तो 10 जिले में जो है चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। सकल मूल्य वर्धित GVA और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से व्यवस्थित करता है, व्यक्त करता है? तो GVA बराबर हो जाएगा GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। प्लस सब्सिडी देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा किसी भी विकल्प में है नहीं। GVA बराबर जो है GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो विकल्प ए से हम प्रारंभ करते हैं। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, 86 सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये तो गलत ही है। यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, तो ये सही है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को कोमो लोगमा यानी बर्फ की देवी, और नेपाली भाषा में सागर माठा ब्रह्मांड की माता, ये भी सही है कहा जाता है। ये विकल्प जो है आपका गलत हो रहा है, और 1954 में माउंट एवरेस्ट की माप किया गया था, तो उसकी ऊँचाई 8848 मीटर था, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर यानी कि वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? वल्लभाचार्य, तुकाराम, त्यागराज ये सब भक्ति आंदोलन से संबंधित है, जबकि नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला सवाल है, डक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में, अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक, ये गलत बात है। अली आबिद शाह नहीं था, बल्कि यह किया गया था
अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था बहमनी राज्य की स्थापना, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, या जिसे हसन गंगू कहते हैं। 1347 ईस्वी में किया गया था बहमनी सल्तनत की स्थापना। और बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्गा थी, ये सही है। और बहमनी सल्तनत को चार प्रांत जैसे कि गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। तो आपका गलत जो है विकल्प ए था, हसन गंगू के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। अगला सवाल है, 5 जनवरी 1922 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? तो रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका विकल्प ए, कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन होते हैं, रिकॉर्डियन समतुल्यता। अगले प्रश्नों को देखें, सूची एक सूचितों के साथ मैचिंग कराना है, एक तरफ किताब दिया गया यानी पुस्तक है, एक तरफ उसके लेखक हैं। तो गीता रस के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, और इंडिया वेंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, और द लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष, और उसके बाद पावर्टी अंडर अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में दयानंद सरस्वती राजाराम मोहन राय के प्रयास से जो हैं विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था 1829 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य है कि खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना, यानी खराब होने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है किसानों के लिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शूद्रक द्वारा जो है मिर्च कटिकम नामक पुस्तक लिखा गया था? तो मिर्च कटिकम का विषय जो है एक धनी व्यापारी और एक गणिका के प्रेम की कहानी है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा जीता गया, फिर खानवा के युद्ध 1527 में बाबर के द्वारा जीता गया, फिर जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, और फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और बाबर 1530 में मर गया था। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, और सामूगढ़ का युद्ध जो है ये हुआ था 1658 में, और ये दारा सिको और औरंगजेब के बीच जिसमें दारा की हार हुई, तो इस प्रकार से जो है डी विकल्प आपका सत्य है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ये थी रेखा दोषित, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो शहरी आबादी सबसे कम जो है ये है शिवहर का, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है? तो बियाडा के जो है क्षेत्रीय कार्यालय किस जिले में स्थित नहीं है? तो पटना में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, गया में नहीं है। अगला सवाल, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तुलसीदास के बारे में, वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये सही हैं, और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा संस्कृत में नहीं बल्कि अवधी भाषा में लिखा गया, तो यही गलत है। और अबुल फजल के आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है, यह सही है, और वे दरबारी कवि नहीं थे, ये भी बात सही है।
तो जो है राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, जो कि गलत है। वो संस्कृत में नहीं, रामचरित मानस जो है तुलसी, ये जो है तुलसीदास अवधि में लिखा था। अगला सवाल देखें, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। तो फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में तीन प्रकार के चावल जो है उगाए जाते हैं, और तीन प्रकार से, एक है अगही, एक है अगही, और दूसरे की बात करें तो दूसरे है गर्मा, अगही गर्मा, और तीसरा है बोरो। इस प्रकार से तीन प्रकार की होती है। अगले सवाल को देखें, भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है। तो भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, ये मूल रूप से संवैधानिक सुधार के लिए किया गया था। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 को हुआ था 15 मार्च, और चंपारण सत्याग्रह 1917 को, और खैरा सत्याग्रह हुआ था 22 मार्च 1918 को। तो इस प्रकार से पहले आपका 3241 जिस विकल्प में होगा, तो ये विकल्प आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर 3241। एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के वर्गीकरण आधारित होता है। तो किसी भी उद्यम में जो है, उद्योग में सार्वजनिक और निजी का वर्गीकरण जो है उसके परिसंपत्ति के, यानी उसके संपत्ति के जो है, उद्यम के संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर, यानी उसके मालिक के अधिकार पर, निजी के हाथ होगा तो निजी और सार्वजनिक में होगा तो सार्वजनिक। अगला सवाल है, सभी आगतों में परिवर्तनों के फलस्वरूप, सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल को देखें, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो तट मंदिर की बात करें, महाबलीपुरम में तट मंदिर, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ये 700 से 728 ईस्वी के बीच स्थापित किया गया था। और फिर बात करें लक्ष्मण मंदिर, तो ये जो है 954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। फिर देखें मोढ़ेरे के सूर्य मंदिर का निर्माण, तो भीमदेव प्रथम के द्वारा 1026 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। कामाख्या मंदिर 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 4123। अगले प्रश्नों को देखें, कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कृषि सब्सिडी के संबंध में कौन सा कथन, अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को उत्पादन में निवेश करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है, तो ये गलत है। भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है, ये सही बात है कि भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष सब्सिडी से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि करती है, तो ये बात सही है। और देखें अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकृत करती है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर जो है आपका आंसर जो है ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बी सी डी सही है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित स्थानों में से किसे शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया जाता है। तो शैडो बैंकिंग के तहत जो है परिभाषित नहीं किया जाता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड और रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सबको परिभाषित किया करता है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ जो है उसके लेखक हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक डांडी,
अष्टाध्याय के पाणिनि, कर्पूरी मंजरी के लेखक जो हैं, और काव्य मीमांसा के लेखक, कर्पूरी मंजरी और काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर हैं। तो इसलिए जो है ये गलत हैं, और राजतरंगिणी के लेखक कलहन हैं, तो सी हो जाएगा जो कि गलत हैं। सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर महान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल, हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में थी। यह विद्युत पर संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये धौली गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मगध परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मगध परमंडल का मुख्यालय हो जाएगा गया में। अगला सवाल, समाचारों में व्यापक रूप में सुना जाने वाला शब्द है ब्रूकेसिया नाना, तो ब्रूकेसिया नाना समाचारों में जो सुना जा रहा है ये एक प्रकार के हाल ही में खोजा गया एक गिरगिट का नाम है, एक गिरगिट का प्रजाति है ब्रूकेसिया नाना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है, तो मुद्रास्फीति को जो है नीतिगत उद्देश्य के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर संयुक्त रूप से मापा जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आम तौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? तो इसे मौद्रिक नीति कहते हैं और ये RBI के द्वारा घोषित किया जाता है। अगले सवाल को देखें, फरवरी 1921 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं, तो डिकिन्सोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं, तो ये जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? तो जैम ट्रिनिटी का मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री ने फरवरी 1921 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ा झील के विकास की कार्य की आधारशिला रखी? तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। अगले सवाल को देखें, उस शीर्ष निकाय का नाम जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि GST दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए, तो इस प्रकार से कथन कहा गया है कि GST दरों में कमी होने से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए, ये जो है उत्तरदायी है सुनिश्चित करने के लिए, निर्णय देने के लिए, तो यह है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो अस्थाई बंदोबस्त 1720 नहीं बल्कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, तो यह गलत है, और इस प्रणाली की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा ये सही है, और यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया जाता था, ये बात सही है, और ज़मीन का मालिक ज़मींदार को बनाया जाता था और किसानों के साथ किया जाता था, इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त या ज़मींदारी बंदोबस्त कहते हैं, तो 2 और 3 सही हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले, तो उच्चतम साक्षरता दर रोहतास और न्यूनतम हो जाएगा पूर्णिया। अगले सवाल को देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ता को प्लेटफॉर्म समाचार देखने और साझा करने पर रोक लगा दिया? फेसबुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रोक लगाया गया। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो पटना में सर्वाधिक शहरी है, तो सबसे कम ग्रामीण पटना में होगा। अगला सवाल देखें, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो शेरशाह सूरी अशिक्षित था, ये गलत है, शेरशाह सूरी शिक्षित था, इन्होंने जौनपुर में अपनी शिक्षा ग्रहण किया था।
और उसने पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया। ये बात सही है। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण किया था और उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। हजरत आला के बाद उन्होंने सुल्तान की उपाधि भी धारण किया, तो ये भी गलत है। केवल बी विकल्प सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, एक तरफ भक्ति संत है, एक तरफ उसका व्यवसाय है, इसको मैचिंग कराना है, सुमिलित करना है, एक कथन दो के साथ। रविदास जो है, तो रविदास जो है ये मोची थे। सेन जो है जात में नाई थे, ये व्यवसाय में। और नामदेव दर्जी थे और कबीर जुहलाहा। रविदास मोची, सेन नाई, नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा। अगले प्रश्नों को देखें। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर है मुजफ्फरपुर। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो समावेशी विकास के संदर्भ में उद्योगों का बेहतर वितरण ये भी है, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि भी है, कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव भी हैं, और कौशल विकास और निर्माण के अवसरों का सृजन भी है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी विकल्प जो है सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखें कौन सा सही सुमेलित है। अति मुद्रा स्फीति, मूल्य स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि। तो मूल्य स्तर में जब सामान्य तथा तीव्र वृद्धि होगा तो उसे अति मुद्रा स्फीति कहेंगे, यह सही है। अब स्फीति, मूल्य मुद्रा स्फीति के मूल्य में अत्यंत कमी होगा तो उसे अब स्फीति कहेंगे, यह सही है। अब स्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति को कहते हैं प्रत्यवय स्फीति, और धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रा स्फीति में वृद्धि को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये भी सही है, यानी ये सभी कथन सही हैं, तो राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि ई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र? तो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट जो है जेम्स एक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था वारेन हेस्टिंग के समय। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत का दर्जा नहीं मिला है जीआई टैग? तो देखते हैं, मधुबनी चित्रकला को दिया गया है, भागलपुर रेशम को दिया गया है, सिक्की घास शिल्प को दिया गया है, और जरदालू आम को दिया गया है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि ये सभी को जो है जीआई टैग दिया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है कि यह वर्ष 2021 में जो सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ था, यह 20वें संस्करण का आयोजन किया गया था, तो ये सही बात है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं, बल्कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा ये जो है किया गया था। और इसमें प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन नहीं किया, बल्कि इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्री, पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ये सब सम्मिलित रूप से थे, तो इसलिए ये भी गलत है। तो केवल जो है एक विकल्प जो है सही है, केवल ऑप्शन ए। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 ईस्वी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है, जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आंकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है? कार्बन वॉच, ये चंडीगढ़ के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ये हैं अजय मल्होत्रा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? तो ये उर्जित पटेल समिति गठित की गई थी मौद्रिक नीति की फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के लिए।
नीचे दिए गए दो कथन हैं, कथन ए और दूसरे कारण दिए गए हैं आर। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया था, ये बात सही है, और वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते हैं ताकि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को उनके साथ साझा करें। ये गलत बात है, ये वो शिक्षित व्यक्ति को अपने कंपनियों में शामिल करना चाहते थे, इसलिए तो इसलिए जो है केवल ए सही है और आर गलत हैं। ए सही है आर गलत हैं, तो ऐसा विकल्प सी में मौजूद है, ए सत्य आर गलत। अगला सवाल देखें, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो लागू हुआ था 8 अप्रैल 2006 को, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व के 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया, तो ये 50% कर दिया। अगला सवाल देखें, 15 नवंबर 2020 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 324 हुआ करती थी और बंटवारा होने के बाद 243। अगला सवाल, 17वीं बिहार विधानसभा में कितने महिलाएं निर्वाचित हुई, तो 17वीं बिहार विधानसभा में 26 महिलाएं निर्वाचित हुई। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है 1937 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक रहे थे और ये थे श्री राम दयालु सिंह, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार से संसद के लिए चुने कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, तो संसद के लिए जो सांसद चुने जाते हैं तो 40 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से, कुल मिला के 56 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है 2 सीट हैं और एससी की बात करेंगे तो 40 सीट हैं, 38 सीट हैं एससी के लिए, कुल मिला के 40 सीट आरक्षित होते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट, तो अभी मैंने बोला कि एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट, कुल मिला के 40 सीट जो है आरक्षित हैं। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर आयोग के कार्यकाल जो विस्तार किया जाता है वो बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा जो है ये घटाया बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, तो नित्यानंद कानूनगो जो है कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं बने थे। बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, तो विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह हैं। अगले सवाल को देखें, सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, तो बात करें विधान परिषद में तो बिहार में 75 सीटें हैं विधान परिषद के, जिसमें भाजपा की बात करें तो बीजेपी को 15 सीटें हैं और राजद को जो है विधान परिषद में 5 सीटें हैं, और फिर बात करें कांग्रेस को तो विधान परिषद में 3 सीटें हैं, और जदयू को बात करें तो विधान परिषद में 23 सीटें हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगा जदयू। अगले सवाल को देखें, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु तो कुल कितने पद सृजित हैं, तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुए थे और संजय केरोल जो है इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, इसमें 53 जो है न्यायाधीश के लिए सृजित पद हैं। अगले सवाल को देखें, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और 1921 में स्थापित हुए, तो 2021 में जो है इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो बिहार में वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त ये हैं दीपक प्रसाद, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, तो बिहार में जो है विधान परिषद के 243 सीट हैं, तो कहा गया है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 ईस्वी में कि 15% ही जो है विधानसभा के 15% ही मंत्री होगा, तो लगभग 36 मंत्री इसके अंतर्गत आते हैं और 12 से कम नहीं 15% से अधिक नहीं। सितंबर 2021 तक बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुकी है,
तो बिहार में जो है कुल 7 बार जो है लग चुकी है। अगले सवाल को देखें, बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1956 में नहीं बल्कि 1949 में हुई थी, तो ये तो गलत हो गया। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए, तो ये होगा, ये भी गलत है। और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे, बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा, तो ये सही है, केवल तीसरा विकल्प सही है। और वर्तमान में देखेंगे बीपीएससी के अध्यक्ष तो ये हैं अतुल प्रसाद, जो कि आर के महाजन के जगह लिए हैं अतुल प्रसाद, तो इसलिए केवल 3 विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि किसी भी विकल्प में दिया हुआ ही नहीं है तीसरा, केवल 3। सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का रैंक भारत में क्या है? तो सबसे अधिक जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पर जो है मध्य प्रदेश हैं, और तीसरे पर जो है बिहार हैं। अगला सवाल है, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जो है 2011 15 अगस्त 2011 से जो है लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? 7000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की जो है व्यवस्था की गई है। वर्तमान बिहार में कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान बिहार में जो है 534 प्रखंड हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो 214 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। अगले सवाल को देखें, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह थे, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री सबसे पहले अब्दुल गफूर बने थे। अगला सवाल, सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या, तो ये थे 8406 जो है पंचायतें थी। अगला सवाल देखें, बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, तो SC के लिए जो है आरक्षित सीटों की संख्या है 6 और ST के लिए 1 भी नहीं। बिहार में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, तो ST के लिए जो है 1 भी सीट आरक्षित नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत है? बिहार राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में 16 हैं, तो ये तो गलत है। बिहार विधान परिषद की संख्या 75, ये सही है। बिहार में लोकसभा की सीटें 38 नहीं बल्कि 40 हैं, तो ये भी गलत हैं। और बिहार में विधानसभा की सीटें की संख्या 243 हैं, ये सही है। 2 सही 2 गलत, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक। अगले सवाल को देखें, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, लेकिन पहले जो अध्यक्ष बने थे विधानसभा के 1937 में, तो वो थे रामदयालु सिंह, स्वतंत्र के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अगला सवाल देखें, 17वीं लोकसभा बिहार के चुनाव परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही हैं? तो देखते हैं कौन सही हैं। तो आपका जो है विकल्प इसमें देखेंगे तो सी हो जाएगा, क्योंकि भाजपा को 17, राजद को 0, जदयू को 16 और कांग्रेस को 1 सीट आया था, तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की? तो कृषि विभाग के द्वारा जो है मिशन 4.0 की शुरुआत की गई। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री 2021 पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई? तो ये दुलारी देवी को की गई थी। अगला सवाल है, मंदार महोत्सव 2021 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये बांका में आयोजित किया गया था। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चलो ऐप बिहार में जो है परिवहन को डिजिटल बनाने के लिए किया गया था। जल निकायों द्वारा गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। अगले सवाल को देखें, बिहार में जेंडर बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कौन है?
तो बिहार में जो है वर्ष 2009-10 में पहली बार जेंडर बजट 2009-10 में नहीं बल्कि 2008-09 में जो है पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो है गलत है। और जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है, ये सही है। और जेंडर बजट हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के GSDP का 4.56% है, तो ये सही है। दो सही हैं यानी बी और सी, यानी दूसरे और तीसरे विकल्प, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल को देखें। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के तीन सबसे समृद्ध जिले में कौन शामिल नहीं है? तीन सबसे समृद्ध जिले में पटना है, मुंगेर है, बेगूसराय है, जबकि रोहतास नहीं है। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना प्रतिशत रहा? तो 4% रहा था ग्रामीण बिहार में। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य का बजट अनुमान पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक था? तो 6501, तो ये जो है 6541 करोड़ जो है 6541.21 करोड़ रुपये अधिक था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार सात निश्चय योजना 2.0 हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो सात निश्चय योजना 2.0 के लिए जो है 4671 करोड़ रुपये आवंटित थी, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ष 2019-20 में अस्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? 10.5% थी। अगले सवाल को देखें, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने शहर चुने गए हैं? तो बिहार के चार शहर चुने गए हैं, भागलपुर पटना मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय 19-20 में जो है वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया था, 50,735 रुपया। बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितनी थी? तो 19-20 में जो है कुल खपत 36.24 लाख टन रहा था। अगला सवाल है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो लोहिया योजना चलाई जा रही है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए। राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है अर्थात कृषि क्षेत्र में जो है गिरावट दर्ज की गई है। 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न में से कौन है? तो ये जिला है रोहतास। अगला सवाल देखें, पटना की प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? 6 गुना अधिक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के किस व्यंग्यकार को फरवरी 2021 में जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह था वीरेंद्र नारायण झा। अगला सवाल है, फरवरी 2021 में बिहार विधानसभा ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? तो 100 वर्ष पूरे किए थे, क्योंकि बिहार विधानसभा की स्थापना 1921 ईस्वी में 7 फरवरी 1921। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 में आयोजित किया गया था जमुई में। अगला सवाल, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वेक्षण 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया था? तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था अरवल को चुना गया था, अरवल जिले के कुर्था थाना को। बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र, तो बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र ये खोला जाएगा, भागलपुर में खोला गया है। अगला सवाल देखें, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला चिड़ियाघर तो पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया जाएगा। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।